गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, वन और स्वयं, इसके अलावा उसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है केवल कि वो नंबर जो केवल स्वयं से कट जाए या वन से कट जाए, वन से तो सभी कट जाते हैं, जो नंबर स्वयं से कट जाए इसके अलावा और किसी से ना कटे उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू, फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसके दो के अलग, एक तो वन है, दूसरा स्वयं है, तीसरा और वो चौथा भी कोई हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद इसी नंबर में, इसी में चैप्टर में आता है आपका ओड नंबर, इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं दैट नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई टू, इज कॉल्ड द ओड नंबर। जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होता है वो ओड नंबर होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, दीज आर द ओड नंबर। इवन नंबर, दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई टू, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू, इज कॉल्ड द इवन नंबर। जो नंबर टू से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है वो नंबर होते हैं इवन। अब यहाँ प्राइम नंबर में बाद में आती है दो बातें, और एक नंबर आता है को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दैट नंबर, वो नंबर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन। दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर वन होता है, ओनली वन, तो वे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। नंबर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस ओनली टू होता है। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो होते हैं ये ट्विन प्राइम नंबर्स। अंडरस्टैंड? आप बात आती है हमारे पास आज, प्राइम नंबर होते कौन से हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से लेकर के और 100 तक की आपकी है काउंटिंग लिख दी है। इसको बोलते हैं सीव ऑफ एराटोस्थीनेस। ये सीव ऑफ, ये एक गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने उसकी सीव है ये, और उन्होंने इसके द्वारा बच्चों को समझाया कि बेटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो प्राइम नंबर सबसे पहले जो मेरा होता है वो होता है, ये हमने इसको एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सेपरेट कर दिया वन को, लेकिन हम करेंगे नहीं, अब तो अभी बाद में बताएंगे आपको इसके बारे में। 57 हो गया, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 37, 41, 43, 47, 59, 61, 62, 73, 79, 80, 81, 83, 89, 83, 89, और उसके बाद 97। ठीक है, ये जो नंबर्स हमने आपको सर्किल कर दिए हैं,
तो दीज नंबर्स आर द प्राइम नंबर। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100? तो आपका आंसर होना चाहिए 25। ठीक है, अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। राइट ऑल ओड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 60। 1 से लेकर के 60 के बीच में जितने भी आपके ओड प्राइम नंबर हैं उनको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 60। 1 से लेकर के 60 तक के बीच में जितने भी इवन प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 50 to 100। 50 से लेकर 100 तक सभी ओड नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इवन प्राइम नंबर्स। अब इसमें जो इवन प्राइम नंबर्स हों उनको आपको लिखना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था वन, वन जो होता है न तो प्राइम नंबर है न ये कंपोजिट नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं ये इट इज ए यूनिक नंबर। ओके, ये केवल हमारा एक ओड नंबर है, न प्राइम है और न कंपोजिट। दैट्स ऑल। कितने मिनट हो गए? 6। बस काटो।